से हाय से हाय। तो कार्ड से पेमेंट किया, 205 रुपए कटा। हमने इसको रेंट किया 70,000 IDR पर डे के हिसाब से। बाली में यार एक प्रॉब्लम है, ये फेमस बाली स्विंग सेकिंग राइस टेरेस का, वैसे तो बाली स्विंग ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है पूरे बाली में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो अभी हम लोग आ रहे हैं उलुन दानू बेरातान टेम्पल से, और अभी हम इस वक्त जा रहे हैं लेके लेके वाटरफॉल्स, और यहाँ पे बच रहे हैं सुबह के 9। और टेम्पल बहुत अच्छा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, आप लोग वीडियो चेकआउट कर लेना। उसके अलावा अब हम जा रहे हैं लेके लेके वाटरफॉल्स, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। एग्जैक्ट किलोमीटर तो मुझे भी नहीं मालूम, पर आई थिंक आधा घंटा का ड्राइव है यहाँ से। तो हमने स्कूटी रेंट किया है जिसका हम 70,000 IDR पे कर रहे हैं पर डे के हिसाब से। तो हम स्कूटी से ही वहाँ जाएंगे, और अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आज सुबह से हम निकल गए थे, अभी हम लोग फ़िलहाल आए हुए हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम सोच रहे हैं पहले कुछ खा लें। और यार ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, ये रेस्टोरेंट का मैं नाम नीचे डाल दूँगा। यहाँ से आप एक बार व्यू देखो, कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, तो कुछ ऐसा व्यू है। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का प्लांटेशन होता है, फार्मिंग होता है। तो यार ये है हमारा चिकन नूडल्स, काफ़ी टेस्टी है ये। कल मृणाल ने इसको ऑर्डर किया था, और मृणाल ने लिया है नासी गोरेंग। लाइक द नूडल्स बेटर देन दिस, बोथ आर गुड। आई लव द नूडल्स मोर। ओके, कर सकते हो। वो नूडल्स है क्वेटिया गोरेंग आयाम। ओके, एंड इट्स 22,000 IDR। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस नासी गोरेंग? दिस आई थिंक इट्स 18,000 इंडोनेशियन रुपीस आई थिंक। ओके, तो अभी हम लोग गाड़ी चला रहे थे और जा ही रहे थे वाटरफॉल की ओर, तो हम लोग को अभी एक अच्छा सा स्पॉट मिला है। तो स्पॉट कुछ ऐसा है, देख सकते हो। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बाली स्ट्रॉबेरी फार्म एंड रेस्ट्रो करके एक जगह है, जहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी स्मूदी लिया है। तो अभी हमने ऑर्डर दिया है, आएगा वो थोड़ी देर में, तब तक आप लोग व्यू देखो। तो ये हमारा आ गया स्ट्रॉबेरी स्मूदी, और अब हम इसको इस व्यू के साथ इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार अभी तक, तो इसको टेस्ट करते हैं, आई एम प्रेटी श्योर अच्छा ही होगा। लेके लेके वाटरफॉल्स आ चुके हैं, और यहाँ पे आने का रोड काफ़ी अच्छा है। आखिरी में एक काफ़ी पतला सा रोड है, और आसपास काफ़ी जंगल है। और यहाँ आने के बाद आपको एंट्री टिकट लगती है, तो इसका ये लोग लेते हैं 50,000 IDR पर पर्सन। और अगर आप यहाँ पे कोई स्विंग है, जानते होंगे बाली स्विंग, और कोई बेड स्विंग भी है उसमें, आई थिंक दो तीन लोग एक साथ जा सकते हैं, तो उसका चार्ज है 200,000 IDR पर पर्सन। और अगर आप वो लेते हो तो आपको एंट्री टिकट जो है फ्री मिलती है। हमने 200,000 रुपया पर पर्सन पे किया है, जिसमें हमको एक बार मृणाल इफ़ यू कैन शो मी द टिकट। तो ये दो टिकट हमने लिया है, और इसमें आप देख सकते हो इसमें लिखा है कि स्विंग एंड बेड स्विंग हमको मिला है। तो दो लोग को सिंगल स्विंग मिलेगा और एक सिंगल बेड स्विंग मिलेगा हमको। और अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की ओर, तो कुछ ऐसा रास्ता है वाटरफॉल के लिए, आई थिंक कुछ देर पैदल चलने के बाद हम वाटरफॉल पहुंच जाएंगे। तो हम वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं, और रास्ता थोड़ा सा गीला है, आपको संभल के चलना पड़ेगा। बाकी काफ़ी सुंदर रास्ता था ये भी, ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ से आप पार करते हैं वहाँ से अराउंड 300-400 मीटर्स होगा। हम नीचे चल के देखते हैं वाटरफॉल्स को।
So finally we are in Lake Lake waterfall, guys. You can see how it looks. और हम यहाँ से आए थे, टोटल 5 मिनट्स का वॉक है और उसके बाद नीचे काफ़ी लोग नहा रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग कपड़े वैसे लेके आए नहीं हैं क्योंकि हम कल यहाँ रुक गए थे और हमारा प्लान था नहीं यहाँ रुकने का, बारिश की वजह से हम रुक गए थे। और कोई बात नहीं, नीचे फिर भी जाएंगे और कुछ ऐसा है लेके लेके वाटरफॉल। तो अभी जस्ट हमने वाटरफॉल देखा, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली, करीब वहाँ 20 मिनट स्पेंड किया और अब जा रहे हैं वापस स्विंग की ओर। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग को एक दो सिंगल स्विंग और एक बेड स्विंग मिला है, मिला क्या है उसका पैसा दिया हमने। यहाँ के वाटरफॉल की अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे भीड़ बहुत कम थी, तो आप कितना भी देर स्पेंड कर सकते हो और भीड़ काफ़ी कम है, आप फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से खिंचा सकते हो। तो ये बंदा है जो धक्का देता है, से हाय। से हाय, हाय लो। कम टू द लेके लेके बाली। यस, कम टू द लेके लेके बाली। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। यप। तो यार ऐसा था एक्सपीरियंस हमारे बाली स्विंग का और लेके लेके वाटरफॉल्स का। एक्चुअली वापस आते समय सीढ़ियाँ काफ़ी चढ़नी पड़ती है, तो थोड़ी सी थकान तो होगी। 1 hour later अभी हम लोग हैं उबुद में और हम लोग जा रहे हैं सेकिंग राइस टेरेस, जो कि यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं उबुद में लंच करने के लिए और टाइम हो रहा है अराउंड 3 PM। ये हमारी स्कूटी है, हमने इसको रेंट किया है 70,000 IDR पर डे के हिसाब से, लेकिन ये स्कूटी कम्फर्टेबल नहीं है, तो आप थोड़ा सा महंगा वाला लीजिएगा जो कि अराउंड 1 lakh rupees पर पर्सन पड़ता है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल है, इसमें कमर में दर्द होता है। और ये सामने रेस्टोरेंट है जहाँ अभी हम खाने आए हैं और यहाँ से फिर हम जाएंगे सेकिंग राइस टेरेस। तो अभी जस्ट हमने ब्रेकफास्ट किया और लंच मैंने ब्रेकफास्ट टाइप का खाया। मैंने खाया स्क्रैम्बल्ड एग, एवोकाडो और उसके साथ मशरूम्स। मुझे ये पड़ा 40,000 IDR का, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 205 रुपये। तो कार्ड से पेमेंट किया, 205 रुपये कटा और काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था जैसा कि आप लोगों ने देखा। और चलो अब मिलते हैं सेकिंग राइस टेरेस पे। तो यार हम लोग आ गए हैं सेकिंग राइस टेरेस। बाली में यार एक प्रॉब्लम है, खासकर उबुद में, कि यहाँ ट्रैफिक बहुत है क्योंकि रोड काफ़ी पतले हैं, ज़्यादा चौड़े नहीं हैं, और उस वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये देखो मेरे सामने क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो हाँ ट्रैफिक है, पर हम सेकिंग राइस टेरेस पहुँच गए, अभी शाम के बज रहे हैं 4 और हमसे यहाँ पे 25,000 INR इन्होंने एंट्री टिकट्स का लिया है, पर पर्सन लिया गया है एंट्री के लिए। और कुछ ऐसा नज़ारा है फ़िलहाल अभी। ये फेमस बाली स्विंग सेकिंग राइस टेरेस का, वैसे तो बाली स्विंग ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है पूरे बाली में, पर फिलहाल मृणाल अभी बाली स्विंग ट्राई करेगा सेकिंग राइस टेरेस में और वो उसका पेमेंट कर रहा है। इसका प्राइस है 250,000 INR। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है करने को, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और जहाँ पे आप खा सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये एक है, तो यहाँ पे आप खा सकते हो और मैं आपको दिखा रहा हूँ, उधर भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। और एक्चुअली अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे कुछ जिप लाइन है, इस तरफ से उस तरफ जा सकते हो। हेलो, हाय, थैंक यू, सेम टू यू।
आप यहाँ आ सकते हो अगर आप उबुद के आसपास हो। सारी जो एक्टिविटीज़ है बाली की जो फेमस है यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। बाली स्विंग हो गया, जिप लाइनिंग हो गई, और जो फ़ोटो खिंचाने का होता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, एक फूल जैसा होता है उसके अंदर आप बैठ के फ़ोटो खिंचा सकते हो, तो वो सब एक्टिविटीज़ आप यहाँ कर सकते हो। इसके अलावा आप नूसा पेनीदा वगैरह जा सकते हो, तो आप इस चैनल पे अगर बने रहोगे तो हम कल नूसा पेनीदा भी जाने वाले हैं, उसकी भी एक वीडियो आएगी। देखो मुर्गा घूम रहा है यहाँ पर। यार वो आगे जो है यहाँ पर भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, आप उस तरफ भी जा सकते हो, और एक्चुअली इस तरफ भी काफ़ी सारे हैं। यार यहाँ की अच्छी बात मेरे को ये लगी कि ये लोग ना यहाँ पे सब कुछ संभाल के रखते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा रखते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा।